हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज दिस इज दिव्या माइश्वरी स्टूडेंट्स आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड नंबर 165 क्लास नाइन्थ का चैप्टर नाइन जिसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अ वर्ड प्रोसेसर स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने टेबल को इंसर्ट कराना सीखा था एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट में बट आज हम उस टेबल से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे इंसर्टिंग रोज कॉलम्स और सेल्स यदि हमने टेबल इंसर्ट कर लिया तो उसमें हम रोज को कैसे इंसर्ट करेंगे कॉलम्स और सेल्स को भी इंसर्ट करना हम इसी में सीखने वाले हैं देन डिलीटिंग रोज कॉलम सेल्स और टेबल्स यदि हमने रो इंसर्ट कर ली है और हम उसमें से कोई रो या कॉलम या फिर सेल या फिर पूरी टेबल ही डिलीट करना चाहते हैं तो उसको डिलीट करने का क्या तरीका है एंड मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग द सेल सेल्स को मर्ज करना और स्प्लिट करना भी हम इसी में सीखने वाले हैं सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बी सो फर्स्टली जानते हैं इंसर्टिंग रोज कलम्स और सेल्स रोज कलम्स और सेल्स को इंसर्ट कराना यू कैन इंसर्ट अ रो अब बिलो अ रो और अलम टू द साइड ऑफ एन एक्सिस्टिंग कॉलम इन अ टेबल एज एन मैनड आप एक टेबल में जब भी आवश्यकता हो तो एक रो के ऊपर या नीचे एक रो को इंसर्ट करा सकते हैं या फिर आप एक एग्जिस्टिंग कॉलम के साइड में बराबर में एक कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं मीन्स जो कॉलम है उसके बराबर में यदि आप एक कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो वो भी इंसर्ट करा सकते हैं द स्टेप्स टू डू इट आर एस फोलो इसको करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो इस प्रकार हैं स्टेप्स टू इंसर्ट अ न्यू रो एक नई रो को इंसर्ट कराने के लिए जो स्टेप है फर्स्टली वो समझ लेते हैं फर्स्ट स्टेप है प्लेस द कर्सर इन एनी सेल ऑफ द रो अबव और ब्लो विच यू वांट टू इंसर्ट अ ब्लैंक न्यू रो फर्स्टली आपको करना क्या है रो जो कि ऊपर हो या नीचे हो जिसमें भी आप एक नई रो इंसर्ट कराना चाहते हैं उसके किसी एक सेल में कर्सर को प्लेस करते हैं सेकेंड स्टेप है टेबल टूल्स लेआउट टैब अब हमें क्या करना होता है टेबल टूल्स लेआउट टैब पर क्लिक करना होता है देन इन द रोज एंड कोलम्स ग्रुप क्लिक इंसर्ट अबव और इंसर्ट ब्लो बटन रोज एंड कोलम ग्रुप में आपको इंसर्ट अबव या इंसर्ट ब्लो जैसे भी आप चाहते हैं उस पर आपको बटन पर क्लिक करना होता है जैसे ही आप इनमें से किसी एक बटन पर क्लिक करते हैं रो विल बी इंसर्टेड ब्लो द विलटेडेड रो सेलेक्ट की गई रो में एक ऊपर या नीचे एक रो इंसर्ट हो जाएगी सो so, इस तरह से आप एक रो को इंसर्ट कर सकते हैं देखिए यहां पर दिखाया गया है रोज एंड कॉलम ग्रुप है एंड दिस इज द टूल टैब टेबल टूल लेआउट टैब सो यहाँ पर लेआउट टैब में जाकर आप रोज एंड कॉलम के ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं उ स्टेप टू इंसर्ट अ कोलम टू द लेफ्ट और द राइट साइड ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम एक पर्टिकुलर कॉलम के लेफ्ट या राइट right में कॉलम को इंसर्ट कराने की जो स्टेप है अब उन्हें समझ लेते हैं फर्स्ट स्टेप आ जाता है प्लेस द कर्सर इन द कॉलम टू द लेफ्ट और द राइट साइड

आप राइट right क्लिक करके इंसर्ट सब मेन्यू में दिए गए ऑप्शन का यूज़ करके रो और कॉलम को जितने भी रो और कॉलम की आपकी रिक्वायरमेंट है उसको इंसर्ट करा सकते हैं ये भी एक तरीका है कि आप यदि रो और कॉलम को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा रो और कॉलम जो हैं उनके ऊपर राइट क्लिक करना होगा और वहाँ से आपको कुछ ऑप्शन सब मेन्यू में दिखेंगे वहाँ से ऑप्शन लेकर आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं एक ब्लैंक रो और कॉलम यू कैन ऑल्सो इंसर्ट सेल्स टू द लेफ्ट राइट अबो और ब्लो अगिवन सेल बाई फॉलोइंग दिज स्टेप्स आप दिए गए सेल में लेफ्ट में राइट में ऊपर या नीचे सेल्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो इस प्रकार है फर्स्ट स्टेप आ जाता है सेलेक्ट द सेल्स अराउंड विच यू वॉन्ट टू इंसर्ट एज मैनी सेल्स सबसे पहले उन सेल्स को सेलेक्ट करते हैं जिनमें जिनके आस पास आप कई सारे सेल इंसर्ट करना चाहते हैं मीन्स यदि आपको सेल्स के आस पास सेल इंसर्ट करने हैं तो उन सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ता है जिनके पास आप इंसर्ट कराना चाहते हैं Second है सेकेंड है राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड सेल एंड पॉइंट टू द इंसर्ट ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू अब आपको उन सेलेक्ट किए गए सेल के ऊपर राइट क्लिक करना होता है और जैसे ही आप राइट right क्लिक करते हैं तो वहाँ एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें से आपको इंसर्ट ऑप्शन को पॉइंट करना होता है मीन्स पॉइंटर को वहाँ पर लेकर जाना होता है

अब आपको न्यूली इंसर्टेड सेल्स के पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ता है मींस जो नए सेल इंसर्ट किए गए हैं उनकी पोजीशन को स्पेसिफाई करके आपको बताना होता है और जैसे ही आप ये स्पेसिफाई करते हैं तो आपको उसके बाद ओके okay बटन पर क्लिक करना होता है द सेल्स विल गेट इंसर्टेड और आप देखेंगे ओके okay बटन करते ही सेल इंसर्ट हो जाएंगे सो so इस तरह से आप एक सेल इंसर्ट कर सकते हैं देखिए यहाँ दिखाया भी गया है राइट right क्लिक किया गया और इसको पॉइंट किया गया देन इंसर्ट सेल ऑप्शन को सब मेन्यू से सेलेक्ट किया गया नाउ आगे जानते हैं डिलीटिंग आ रो कोलम सेल्स और टेबल एक रो कोलम सेल और टेबल को डिलीट करना अब हमने इंसर्ट तो करना सीख लिया इसको डिलीट कैसे करना है ये और सीख लेते हैं टू डिलीट अर रो कॉलम सेल और टेबल फॉलो दिस स्टेप रो कॉलम सेल या टेबल को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं स्टेप्स टू डिलीटर रो कॉलम सेल और टेबल फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द सेल रो और कॉलम दैट यू वॉन्ट टू डिलीट सबसे पहले आपको उस सेल रो या कॉलम को सेलेक्ट करना होता है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं यू डू नॉट नीड टू सेलेक्ट द एंटायर रो और कोलम इन द ऑर्डर टू डिलीटेड आप यदि डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ये आवश्यकता नहीं है कि आप पूरी की पूरी रो या कोलम को सेलेक्ट करें सपोज़ आप एक रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको पूरी रो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है उसके केवल एक सेल को सेलेक्ट करें उस रो के तो वो जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी या फिर कॉलम है तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है केवल एक कॉलम के सेल को सेलेक्ट करना होता है सेकेंड स्टेप है इन द टेबल टूल लेआउट टैब क्लिक ऑन द डिलीट बटन टेबल टूल लेआउट टैब में आप देखेंगे कि एक डिलीट बटन होता है तो उस पर क्लिक करना होता है आपको फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट अ रिक्वायर्ड ऑप्शन टू डिलीट द रो कॉलम और सेल और जैसे ही आप डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आप रो कॉलम और सेल को डिलीट कर सकते हैं तो आपको जो भी ऑप्शन की आवश्यकता है जिस चीज को भी आप डिलीट करना चाहते हैं यदि रो को डिलीट करना है तो आप रो को सेलेक्ट करें कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को सेलेक्ट करें और सेल को डिलीट करना है तो सेल सेलेक्ट करें देखिए यहां पर दिखाया गया है लेआउट

जो डिलीट ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको यहां पर दिखाया गया है इसमें से डिलीट टेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं सो टेबल डिलीट हो जाएगी इस तरह से हम एक रो कॉलम सेल या टेबल को डिलीट कर सकते हैं नाउ जानते हैं मर्जिंग द सेल्स सेल्स को मर्ज करना वेन वी कंबाइन टू और मोर एडजेसेंट सेल टू क्रिएट लार्जर सेल इन अ टेबल इट इज टर्म मर्जिंग द सेल सबसे पहले ये बताया गया कि मर्जिंग सेल होता क्या है देखिए जब हम दो या दो से अधिक एडजेसेंट सेल्स को कंबाइन कर देते हैं एडजेसेंट सेल क्या है बराबर बराबर के जो सेल्स होते हैं उन सबको दो या दो से अधिक सेल्स को सेलेक्ट करके उन्हें कंबाइन कर देते हैं और एक उनका एक सिंगल लार्जर सेल बना देते हैं टेबल में तो उसे मर्जिंग द सेल कहा जाता है मीन्स देखिए यहां पर ये सेल दिए गए हैं और हम इन सेल्स को सबको सेलेक्ट करके और एक ही सेल बना देते हैं कंबाइन करके तो उसे मर्जिंग द सेल कहा जाता है वी कैन मर्ज द सेल टू गिव अ कॉमन हेडिंग टू द मल्टीपल कॉलम्स हम मल्टीपल कॉलम के लिए कॉमन हेडिंग को देने के लिए सेल्स को मर्ज कर सकते हैं मीन्स यदि हमें मल्टीपल कॉलम भी देने हैं और उनको मल्टीपल कॉलम से कॉमन हेडिंग्स भी देने हैं तो उसके लिए हम सेल को मर्ज कर सकते हैं आफ्टर मर्जिंग द कंटेंट ऑफ द सेल आर ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन जैसे ही आप मर्ज कर देते हैं तो मर्जिंग करने के बाद क्या होता है आपका जो कंटेंट होता है सेल में जो भी सेल में कंटेंट लिखा हुआ है जो भी लिखा है आपने टाइप किया है वो ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन हो जाता है मींस सेंटर में आ जाता है तो मर्ज द एडजेसेंट सेल इन द टेबल फॉलो द स्टेप्स गिवन ब्लो एडजेसेंट सेल को मर्ज करने के लिए जो स्टेप्स हैं टेबल में वो समझ लेते हैं फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द एडजेसेंट सेल दैट नीड टू बी मर्ज इनटू अ सिंगल सेल सबसे पहले आपको उन एडजेसेंट सेल को सेलेक्ट करना होगा बराबर बराबर के सेल को सेलेक्ट करना होगा जिन्हें आप सिंगल सेल में मर्ज करना चाहते हैं देन स्टेप है ओपन द टेबल टू लेट अब आपको टेबल टू लेआउट टैप को ओपन करना होता है एंड इन द मर्ज ग्रुप क्लिक ऑन द मर्ज सेल बटन थर्ड स्टेप में आपको मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल बटन पर क्लिक करना होता है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं द सेलेक्टेड सेल विल गेट मर्ज टू फॉर्म फोर्मा सिंगल सेल ये एक सिंगल सेल की फॉर्म में मर्ज हो जाते हैं जिन भी सेल्स को आप सेलेक्ट करते हैं देखिए यहाँ पर मर्ज सेल आप देखेंगे ये मर्ज ग्रुप है लेआउट टैब में और यहाँ मर्ज सेल करते ही जैसे आप सेलेक्टेड सेल्स को मर्ज करेंगे तो वो मर्ज हो जाएंगे नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्प्लिटिंग द सेल

कॉलम में भी बदल सकते हैं लेट अस लर्न टू स्प्लिट द सेल ऑफ अ टेबल चलिए सीख लेते हैं टेबल के सेल्स को स्प्लिट करना फर्स्ट स्टेप है प्लेस द कर्सर इन द सेल दैट यू वांट टू स्प्लिट सबसे पहले आपको सेल में कर्सर को प्लेस करना होगा जिसे आप स्प्लिट करना चाहते हैं सेकंड स्टेप है इन द टेबल टू लेआउट टैब क्लिक द स्प्लिट सेल बटन फ्रॉम द मर्ज ग्रुप टेबल टू लेआउट टैब में मर्ज ग्रुप में स्प्लिट सेल बटन पर क्लिक करना होता है एंड थर्ड स्टेप है इन द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज दैट यू वांट टू स्प्लिट द सेल इनटू अब आपको स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स में रोज़ और कॉलम के नंबर इंसर्ट कराने होते हैं जो कि जितने में भी आप सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं मीन्स सेल के अंदर जितने रोज एंड कॉलम आपको चाहिए वो आपको यहाँ नंबर में डिफाइन करने होते हैं एंड फोर्थ स्टेप है क्लिक ऑन द ओके बटन अब ओके okay बटन पर क्लिक करते हैं

आप किस तरह से करते हैं यदि वो जानना चाहते हैं तो आपको इससे प्रीवियस वीडियो को देखना होगा उस प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं सो so, फर्स्टली हम टेबल को इंसर्ट करते हैं एक बार मैं फिर से बता देती हूँ इंसर्ट में जाएंगे देन इंसर्ट टेप में जाने के बाद आप यहां देखेंगे टेबल ग्रुप आ जाता है इसमें ड्रॉप डाउन एरो है टेबल का यहां पर क्लिक करेंगे एंड देन आप जितनी भी रोज एंड कॉलम्स लेना चाहते हैं वो सभी आप ले सकते हैं यहां पर मैंने आपको सिंपल मेथड बताया है दूसरा मेथड जो है वो आप सीख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में सो so, मैंने यहां पर ये देखिए थ्री रोज एंड फोर कॉलम्स ले लिए हैं मैंने इस पर क्लिक किया और यहां पर रो एंड कॉलम आ चुकी हैं अब हम जाएंगे टेबल टूल के देखिए यहाँ पर टेबल टूल है जहाँ पर मैंने माउस को पॉइंट आउट किया है एंड यहाँ पर ये लेआउट टैब आ जाता है इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही हम लेआउट टैब पर आएंगे तो यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें हमें जाना होगा रोज एंड कॉलम्स के ग्रुप में ये देखिए दिस इज रोज एंड कॉलम्स ग्रुप अभी हमें यहाँ पर यदि इंसर्ट अबो का ऑप्शन है ऊपर की साइड यदि हमें रो इन इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट हो जाएगी ब्लो करनी है तो ब्लो हो जाएगी लेफ्ट या राइट में कॉलम चाहिए तो वो भी हो जाएगा सो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें यहाँ पर ब्लो चाहिए तो हम यहाँ पर इंसर्ट ब्लो पर क्लिक करेंगे और देखिए नीचे आ गया यदि हमें अबव चाहिए तो हम यहाँ पर अबव करेंगे तो देखिए यहां ऊपर की साइड हमारी रो इंसर्ट हो चुकी है यदि हमें लेफ्ट में चाहिए कॉलम सो सपोज दैट हमें लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट हमारा इधर होगा तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं एंड इंसर्ट लेफ्ट करते हैं तो देखिए लेफ्ट में एक कॉलम आ गया यदि हमें राइट right में चाहिए तो हम राइट right ले सकते हैं इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा जहां पर भी जिस भी कॉलम में हमें लेफ्ट uh, या राइट right में चाहिए तो उसी कॉलम में हमें क्लिक करना होगा देन राइट right कर देंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ पर राइट right में आ जाएगी सो so, ये तो मेथड है हमारा रो और कॉलम को इंसर्ट करने का बाय रोज एंड कॉलम ग्रुप लेकिन यदि हम डायरेक्टली करना चाहते हैं मीन्स राइट क्लिक करके करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राइट right क्लिक करना होगा उस कॉलम में किसी भी एक सेल में क्लिक कर दीजिए इस जैसे हमें रो रो इंसर्ट करानी है तो किसी भी सेल में उस रो की किसी भी सेल में आपको क्लिक करना है सो so, यहां पर हम राइट right क्लिक करेंगे एंड देन इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट इंसर्ट कॉलम टू द राइट इंसर्ट रो अबो इंसर्ट रो ब्लो तो मैंने यहां पर इंसर्ट रो ब्लो किया तो देखिए ब्लो हो गया अभी हमें कॉलम इंसर्ट कराना है सपोज हमें राइट right में कॉलम इंसर्ट कराना है तो उसके लिए हम किसी भी सेल में क्लिक करेंगे इस कॉलम के सो so, मैं यहां पर नीचे वाले में क्लिक कर देती हूँ एंड राइट क्लिक करेंगे एंड देन इंसर्ट एंड देन इंसर्ट कॉलम टू द राइट तो जैसे हम राइट करेंगे तो देखिए राइट में एक कॉलम इंसर्ट हो गया है सो इस तरह से आप रोज एंड कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं अब एक सेल को, है, तो सेल को इंसर्ट कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सेल को इंसर्ट कराने के लिए हमें किसी भी कॉलम या रो में जहां पर भी हमें सेल इंसर्ट कराना है वहां पर क्लिक करना होगा सपोज मुझे यहां पर एक सेल इंसर्ट कराना है तो उसके लिए हमें राइट क्लिक करना होगा एंड यहां पर इंसर्ट में जाकर इंसर्ट सेल पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इंसर्ट सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सेल राइट right और सेल डाउन कहा हुआ है तो हम सेल राइट right कर देते हैं एंड ओके okay, तो देखिए एक सेल इंसर्ट हो चुका है देखिए एक सेल इधर चला गया तो ये इंसर्ट हो चुका है सो so, अब हमें सेल को डाउन uh, में इंसर्ट कराना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ लिखना होगा जिससे आपको पता चल सके कि यहाँ पर इंसर्ट हुआ है तो फर्स्टली मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेती हूँ देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ कुछ डिजिट्स मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ नाउ सपोज मुझे यहाँ पर नीचे की साइड एक सेल इंसर्ट कराना है तो उसके लिए मुझे राइट क्लिक करना होगा इंसर्ट एंड सेल्स एंड इंसर्ट शिफ्ट सेल डाउन सो ओके सो देखिए यहाँ पर डाउन में एक सेल इंसर्ट हो जाएगा सो so, इस तरह से हम एक सेल को इंसर्ट करा सकते हैं नाउ आगे बढ़ते हैं अब किस तरह से हम डिलीट करेंगे रोअर कॉलम को सेल को या टेबल को वो सीख लेते हैं उसके लिए हमें जाना होगा किसी भी सेल या कॉलम में जिसे हमें डिलीट करना है सो so फर्स्टली हम सेल को डिलीट करेंगे मुझे ये एक्स्ट्रा सेल डिलीट करना है तो हमने इसमें क्लिक कर दिया देन हमें डिलीट ऑप्शन पे जाना है ये देखिए रोज एंड कॉलम में आप देखेंगे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है इसमें ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट सेल करेंगे एंड देन सिफ्ट सेल लेफ्ट को ओके okay कर देंगे तो देखिए ये डिलीट हो जाएगा नाउ हमें किसी कॉलम या रो को डिलीट करना है तो उसके लिए हमें उस रो या कॉलम के किसी एक सेल पर क्लिक करना होता है सपोज मुझे ये सेकेंड नंबर की रो को डिलीट करना है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको पता भी चल जाएगा डिलीट जब होगी तो हम इस सेकेंड रो पर क्लिक कर देते हैं किसी भी एक रो पर किसी भी एक सेल पर क्लिक कर देते हैं तो मैं यहाँ पर फोर्थ नंबर के सेल पर इस रो के क्लिक कर देती हूँ एंड देन डिलीट एंड देन डिलीट रोज और आप देखेंगे कि यहाँ से ये रो डिलीट हो चुकी है अब आपको यदि ये वाला कॉलम डिलीट करना है जिसमें कि कुछ लिखा हुआ है और इसके किसी भी एक सेल में हम क्लिक करेंगे और इसे डिलीट करके देखेंगे सो हम इसके लास्ट सेल पर क्लिक कर देते हैं नाउ हमें क्या करना होगा लेआउट टैब में अगेन जाएंगे एंड रोज एंड कॉलम ग्रुप में डिलीट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके डिलीट कॉलम पर क्लिक कर देंगे ये देखिए ये कॉलम डिलीट हो गया अब यदि हमें एंटायर टेबल को डिलीट करना है तो टेबल को डिलीट करने के लिए हमें टेबल के किसी भी एक सेल पर बस ओनली क्लिक करना है और उसके बाद डिलीट एंड टेबल

नाउ नेक्स्ट जानते हैं स्प्लिटिंग सेल्स सेल्स को स्प्लिट करना सो so, स्प्लिट करना जो होता है वो मर्ज सेल के बिल्कुल रिवर्स होता है मीन्स उसके विपरीत होता है सो so, समझते हैं सपोज हमें इस सेल को स्प्लिट करना है तो हम इसमें क्लिक करेंगे एंड देन लेआउट टेब में जाएंगे देन यहां पर आप देखेंगे स्प्लिट सेल आ रहा है लिखा हुआ इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सो स्प्लिट सेल का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो चुका है इस डायलॉग बॉक्स में हमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज देने होते हैं जितने कॉलम्स और रोज हम उस सेल के अंदर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर थ्री कॉलम्स एंड टू रोज ले लेती हूँ न्यू एंड देन ओके तो आप देखेंगे कि इस एक सेल के अंदर थ्री कॉलम्स एंड टू रोज आ चुके हैं सपोज मुझे यहाँ पर इंसर्ट कराना है तो हम यहाँ पर भी स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम जितने भी रोज एंड कॉलम्स लेना चाहते हैं मैंने यहाँ पर फाइव फोर ले लिया है एंड देन ओके तो देखिए यहाँ पर उतने ही कॉलम्स एंड रोज इंसर्ट हो जाएंगे सो तो so इस तरह से हम सेल को स्प्लिट कर सकते हैं आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय